नमस्कार, बड़ी खबर निकल कर आ रही है सागर के उपनगर मकरोनिया से, जहां पर हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल दिया है। दरअसल पूरा मामला हम आपको बता दें, मकरोनिया में हिंदू संगठनों द्वारा भगवा झंडों को नगर पालिका द्वारा हटाकर कचरा गाड़ी में रखने पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला मकरोनिया क्षेत्र का है, जहाँ पर हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल दिया है और जगह जगह उन्होंने झंडे लगाए थे, भगवा झंडे लगाए गए थे, लेकिन नगर पालिका द्वारा मंगलवार की सुबह इन्हें हटाकर कचरा गाड़ी में रख लिया गया, जिससे आक्रोशित होकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मकरोनिया चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया है। जी हाँ, बड़ी संख्या में हिंदू संगठन पहुँच गए और विरोध करते हुए नगर पालिका मकरोनिया के CMO ईशांत धाकर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। जी हाँ, सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं। हिंदू संगठनों का आरोप था कि नगर पालिका द्वारा भगवा ध्वजों को कचरा गाड़ी में नहीं रखा जाना चाहिए था। बड़ा सवाल, संगठन के कार्यकर्ताओं ने मकरोनिया चौराहे पर ध्वजों को हटाकर कचरा गाड़ी में ले जाए जा रहे थे, जो ध्वज उन्हें रोका गया, कार्यकर्ताओं को घेर लिया गया एवं गाड़ियों को भी रुकवाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की मकरोनिया से निकल कर आ गई है, जिसमें हम आपको बता दें कचरा गाड़ी में नगर पालिका द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में भगवा ध्वजों को रखा गया था। ये वाकई में शर्मनाक है, क्योंकि किसी की धार्मिक भावनाएँ आहत हो ऐसा कार्य खास तौर से प्रशासनिक तरीके से नहीं किए जाने चाहिए। और इसमें नगर पालिका की ये वाकई में एक बहुत बड़ी खामी है, ध्वज है, भगवा ध्वज है, इसको कचरा गाड़ी में नहीं रखा जाना चाहिए था। और इसी को लेकर हिंदू संगठनों ने आक्रोशित होकर अपना विरोध जताया है, प्रदर्शन किया है मकरोनिया चौराहे से। इस वक्त की बड़ी खबर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।